हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू कंप्लीट सीरीज गाइस। तो हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और तुम लोगों को टाइटल एंड थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि हाँ, मैंने फाइनली लॉन्च कर दिया अपना एक प्राइवेट SMP। ये पब्लिक SMP नहीं है डूड, आई एम सो सॉरी अगर तुम पब्लिक से खेलने वाले थे। ये प्राइवेट SMP है, यू हैव अ चांस, यू हैव ओनली वन चांस टू ज्वाइन इट। बाकी की बातें गेम पे चल के करते हैं, वरना ये ज़्यादा भारी हो जाएगा भाई। ऑलराइट गाइस, तो इस SMP में आने का मतलब है कि तुम्हें इसमें अपना फुल 100% देना पड़ेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कोई नॉर्मल बंदा नहीं आ सकता, कंटेंट क्रिएटर आएगा तो वो अपना 100% दे पाएगा इसमें, पूरा 100% दे पाएगा, क्योंकि उसको फ़ायदा दिखेगा इसमें। इसलिए अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, वेदर तुम्हारे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर हैं, तुम आओ, तुम मुझसे बात करो, तुम डिस्कॉर्ड पे मुझे ज्वाइन कर लो, एंड तुम मुझे लाइक इंस्टाग्राम पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो टू ज्वाइन इन दिस SMP, ठीक है ना। कोई मतलब ही नहीं है कि तुम्हारे कितने भी सब्सक्राइबर हो। प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है आज से ही, तो तुम लोग मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका फाइनल डेट आई थिंक सो 12 को होगा, 12 के शाम 4 बजे होगा, अनाउंस कर दिया जाएगा कि हाँ कौन कौन सेलेक्टेड है कौन नहीं। इसमें खाली 20 मेंबर आ सकते हैं, और इसमें आते ही तुम लोग को ऑन और ऑफ हर चीज़ का एक्सेस मिलेगा, और बाकी SMP तुम्हारी ही होगी यार, बस खेल हम सब रहेंगे, ठीक है। और रही बात इसकी, ये स्टोनलाइन मेंशन की, तो ये मेरे भाई ने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। हाँ, उसने क्रिएटिव से किया है, और उससे जितना हुआ उसने किया है, जैसे क्रिएटिव से देख रहे हो स्टेयर्स उसने लगाए तो गलत लग गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लाइव पे सही करूँगा, क्योंकि अभी तो सही करके कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ हर चीज़, और इसमें लाइक हर चीज़ की कैटेगरीज होंगी, इसमें हर फार्म बनेगा, उस फार्म का एक बंदा बनेगा, एक कैप्टन रहेगा उस फार्म का, जिससे वो ट्रेड कर पाए हम लोग। बेसिकली ये पूरा ही इसका डिफरेंट लेवल होने वाला है, ये अलग होने वाला है पूरा, ये पुराने या फिर ऑर्डिनरी SMPs जैसे नहीं होने वाला है ना। तो आज के वाली वीडियो में लाइक मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ग्राइंड अप कर लूँ, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली मास्टर तो मैं ही हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, अगर देखा जाएगा वोटिंग होगा, अगर वोटिंग पे कोई और निकलता है मास्टर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले मैं थोड़ा सा इसको टूर दे दूँ, तो यार मैंने मतलब जैसे मैं, अगर तुम लोग मेरा सीरीज फॉलो करते हैं वैसा ही सेम है, थोड़ा सा ये वुडलैंड मेंशन अलग है उससे, क्योंकि इसमें मास्टर फ्लोर जो है, यानी कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर, वो थोड़ा पीछे जाके है, ठीक है ना। तो उसके लिए यार, उसके ऊपर जाने के लिए ना मैंने एक लिफ्ट बनवा ली थी अपने भाई से, तो वो लिफ्ट जाके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये है वो लिफ्ट, ये लिफ्ट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन तब भी ठीक है, ये मुझे ऊपर तक पहुँचा देती है, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये है मास्टर फ्लोर, ये अभी देख लो थोड़ा थोड़ा काम जो है वो हटा पड़ा है, यहाँ से मैंने स्टेट्स यहाँ से यहाँ की चेंज करवा दिया है, एंड थोड़ा बहुत काम है जो रह रखा है वो मैं लाइव पे करूँगा। एंड मैंने इसलिए इसको मतलब जल्दी से लॉन्च कर देना, क्योंकि यार आप सब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ है वो सर्वर जिसके लिए हम लोग वेट करते हैं यार इतने दिन से, बहुत सारे बंदे हैं जो वेट कर रहे थे। एंड ये लिफ्ट नीचे कैसे चली गई डूड? अच्छा, लिफ्ट नीचे नहीं गई है, मैं नीचे आ गया हूँ, सॉरी गाइस। और अगर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर वाले बंदे भी इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से इस लिफ्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए जो मेरे बेसिक्स टूल होते हैं या फिर जितने बेसिक सामान होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं जल्दी पहले से। तो मुझे अभी आज के फिलहाल के लिए तो आयरन पे मैं मतलब कर जाऊंगा, और मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक बंदे आएंगे और मैं उनसे बोलूँगा कि यहाँ की चेस्टें मत खोलो, तो डेफिनेटली खोलेंगे। तो मैं जा रहा हूँ सारी चेस्टें यहाँ की लूटने, ठीक है ना, और यहाँ का हाँ सारा मैंने वो मार जाता, तो मैं लाइक मैं चेस्टें लूट के मैं उनको यूज़ नहीं करूँगा, मैं बस रख लूँगा अपने पास, ठीक है ना। तो चेस्ट में जो जो है, जैसे ये एफिशिएंसी वन की एक्स वाव मिल गई, एंड ये बेसिकली इस चेस्ट रूम में तो कुछ नहीं होता, छोड़ो इसको मैं चेक भी नहीं करने वाला। रूम्स में अभी बदलाव होंगे, जो भी क्रिएटर आएगा उसको लाइक रूम की दिक्कत नहीं होने वाली है, घर की दिक्कत नहीं होने वाली है। ये डार्क ओक के जो सैपलिंग्स है इनको भी ले लेते हैं, वैसे इनको ना लेने नहीं भी लेता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं था। और बस इतने ही चेस्ट हैं आई थिंक सो, मेरे भाई ने हटा दिए सारे चेस्ट, या मुझे लगता नहीं है चेस्ट और कहीं पर है, क्योंकि डूड मिल ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे। और इस रूम में लाइट लगाना भूल गया मैं, ओ भाई नेम टैग, गाइस हमें नेम टैग मिल गया है, तो व्हाट वी डू डैट कि हमें आप कोई दिक्कत नहीं होगी यू नो आयरन फार्म बनाने में। तो ये नेम टैग मैं संभाल के रखूँगा, जिससे हम लोग इसको बाद में यूज़ कर पाएँ, ये सभी के भलाई के लिए यूज़ होगा, ठीक है ना। यार जब भी तुम इसमें आओगे तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मैं दूंगा, यहाँ तक तुम्हें चल के आना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना मैं स्पॉनिंग पॉइंट सोच रहा हूँ कि यहीं सेट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें चल के आना पड़ेगा, वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे तुम मेहनत करके आओ यहाँ पे। यार मेहनत का फल मीठा होता है गाइस। अभी फिलहाल के लिए यार मैं जा रहा हूँ अपने वुड्स के पास, एंड वुड्स तोड़ लेते हैं हम लोग, एंड स्टोन पे नहीं तो आज आयरन पे तो अपग्रेड करना ही था मेरे को, तो आज आयरन वाला हम लोग सारा जो भी क्रियाक्रम है वो सब कर लेते हैं। एंड हाँ यार, यहाँ पे वुड तोड़ने अगर जाना पड़ेगा ना तो बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा, मैंने बोला है ना ये अभी कम्प्लीट नहीं हुआ ये पूरे तरीके से,
ये भी जब ये अभी कंप्लीट होगा ये धीमे धीमे करके मैं करूँगा। मैं चाहता था यार तुम लोग के सामने करूँ, ठीक है ना। एंड आई थिंक सो फूड के लिए मुझे ले लेना चाहिए भाई। सर्वर तो बनो स्लो चल रखो है। और गाइस तो मेरे को जितना वुड चाहिए था वो मैंने ले लिया है। एंड फिलहाल के लिए मैं इन वुड का बनाऊंगा प्लैंक्स। इन प्लैंक्स को मैं बनाऊंगा एक क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को रख के इधर मैं बेसिक टूल के लिए मैं बस अभी फिलहाल के लिए फिर मैं बेसिक टूल के लिए बस एक पिकेक्स बना लूँगा, क्योंकि भाई एक्स तो है ही मेरे पास। पिकेक्स बना के मैं स्टोन पे अपग्रेड कर जाऊँगा सबसे पहले, एंड उसके बाद ही मैं भाई मैंने शिफ्ट दबा दिया था भाई, मेरे को लगा था ख़त्म, अब सबके वही बन जाएंगे। फिलहाल के लिए अब मुझे ढूंढना है केव, क्योंकि यार वहीं से मैं स्टोन लूँगा एंड वहीं से मैं आयरन लूँगा। ये कोल है, कोल ले लेता है क्योंकि स्मेल्ट करना है मुझे। और गाइस तो जितना मेरे को कोल जरूरत था वो मैंने ले लिया है। एंड अब मुझे मेरे हिसाब से मुझे मेरी जर्नी आगे बढ़ानी चाहिए एंड कहीं रवीन साइड ढूंढना चाहिए यार। और ये देख रहे हो ये पूरा फ्लैट एरिया था जो उसने क्रिएटिव से बनाया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ हर चीज़, मैं इस बारी कोई वो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई अब मसला हो, ठीक है ना। ओके डूड नो, मुझे लश्केप मिल गया यार ना लाए। लश्केप बहुत अच्छे लगते मुझे, लश्केप है इधर ही, उधर इधर ही कहीं है। मुझे स्ट्रेट डिगिंग तो नहीं करनी चाहिए लेकिन मेरे हिसाब से तो यही अभी फ़ायदेमंद रहेगा। और गाइस तो मैं लश केप पे तो आ गया हूँ, तो इसका मतलब यार इन प्लांट्स की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फ्लावर्स भी ओ मिल गए फाइनली, यही तो चाहिए था। तो ये एजिलिया वाले लीव्स चाहिए थे मुझे, अब ये प्लांट्स मिल गए ना। अब बोन मील चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं इसलिए इसको ढूंढ रहा था क्योंकि यहाँ पे ना आयरन मिल जाएंगे इजीली, जो कि मिल गए मुझे। तो हमारे स्टार्टिंग के 3 आयरन मिल गए मुझे। अगर यहाँ पे डायमंड में मिलते हैं तो हो सकता है कि आज मैं डायमंड पे अपग्रेड कर जाऊँ। नहीं यार मुझे को अब लग रहा है कि मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूँ। ये देखो मौसी मतलब इतनी ईजिली मिल नहीं है और इसमें हालत ख़राब हो जाती थी यार ये ढूंढने में। पहले तो ये सारे ब्लॉक्स बहुत रेयर होते थे जब तक लश केव नहीं था, ठीक है ना। अब लश केव अब तो यूँ मिलते हैं यूँ गाइस, बहुत मस्त है, बहुत मस्त केव मिली मुझे। डूड यहाँ तो आयरन की बरसात है। ओके भाई आयरन बहुत है यहाँ पे, सीरियसली मैंने लश केव ढूंढा और आयरन सही में यहाँ पे बहुत है। और मेरे हो गए अभी 14 आयरन, नॉट बैड। ओके भाई ये फ्लावर एसबी ने मेरे को बताया था कि ये वाले लाइक होते हैं, ये फ्लावर बहुत रेयर होते हैं यार और मुझे बहुत पसंद आए थे जब मैंने। अगर तुम लोग मेरी ये वाली सीरीज नहीं देखते हो ना यार शायर रॉयल सीरीज, तो देखो जाके यार मैंने जो अपना लाइक बेडरूम बनाया था। हाँ ये कॉरिडोर वाला मत देखना क्योंकि यू नो इस पर व्यूज़ नहीं आए अच्छे खाले, तो तुम ये मत देखना, तुम मेरा बेडरूम वाला जाके देखो क्या मस्त बेडरूम बनाया यार मैंने। यार ये सब ले लेता हूँ यार मैं, ये सब बाद में जब एमिथेस्ट शार्ट्स यार आज तो हर चीज मिल रही है यार डूड। ठीक है मैंने आठ एमिथेस्ट शार्ट मैंने तो यार छोटा से तोड़े, ज्यादा मिलते हैं क्या। मौसी ब्लॉक ले लूंगा क्योंकि मेरे को ग्रीनरी ज्यादा पसंद है, ये यूट्यूबर का मामला है। ठीक है भाई यहाँ आयरन सही में भटे रहे हैं, नॉट गोना लाए आयरन तो बहुत है यहाँ पे। मेरे टीममेट्स को आयरन ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। और ये ख़त्म बोलते ही ख़त्म, आई थिंक जो मेरे पास हो गए हैं 36 आयरन एंड आई थिंक सो हो गया है काम यार, बस मुझे इतना ही चाहिए थे, ज़्यादा नहीं चाहिए यार। मैं मेरे को अब डर लग रहा है मैं खो ना जाऊँ कहीं पे, फिर मैं गाना गाऊंगा खो गए हम कहाँ। ओके एक और फ्लावर, यस मैंने बोला ही था मुझे नीचे जाना चाहिए, अब टूटेगा मुझे पता था। तो मैं एक बनाऊंगा फिर से स्टोन की पिकेक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना आयरन मैं वहाँ पे अपने मास्टर रूम में जाके स्मेल्ट करूँ। फिलहाल के लिए तो अभी तक कोई नहीं मास्टर बना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब तक कोई नहीं है तो तब तक मैं आ सकता हूँ यार मास्टर में, कोई कोई दिक्कत थोड़ी ना यार।
All right, guys. So I have 52 iron right now. How much, yaar? Hey, axolotl. ये तो चाहिए मेरे को. वो भी येलो आ रही है. My favorite color, yellow. Yellow, dirty yellow. I need this axolotl right now. तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा. मेरे को बनाने पड़ेंगे चार फर्नेस. चार बोले थे. हाँ, एक दो और तीन और ये बन गए चार. और आयरन को भी चार भागों में डिवाइड करो. 1 2 3 4. तो तू तेरा सॉरी ये दे दो. इनको भी चार भागों में डिवाइड करो. मैं तेरा कन्फर्म. गाइस अभी थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगी बकेट एंड बकेट से मिल जाएगा हम लोग को. समझते नहीं हो यार तुम. समझा करो. वैसे मैं अपना लाइक नेम टैग वगैरह सब कुछ लेके आ गया हूँ. एंड ग्लूइंग स्क्वाड भाई ये तो चाहिए. मैं अपना एक नेम प्लेट लगाऊंगा ना अनमोल झा का, तो उसमें मेरे को ग्लो तो चाहिए भाई. ओके, दो इंसेक्ट मिल गए ग्लोइंग इंसेक्ट. तो एक मेरे फ्रेंड कृष्णा के लिए रखूंगा. और मेरे पास और आयरन मिल गया मुझे. तू भी चार पकड़. अभी मैं फिलहाल के लिए जो ये वाला बकेट है. हाँ बेटा ले रहा हूँ तुम्हें. तो मैं ये एक्सलॉटर लेने के लिए सिर्फ फाइनली मैंने एक्सलॉटर ले ली मैंने गाइस. एंड स्पाई ग्लास भी मैं बना लेता हूँ यार. रुक जाओ. लेकिन मुझे को लगता नहीं कि सर्वर में स्पाई ग्लास यूज होंगे. ठीक है ना कि भाई स्पाई ग्लास एक ऐसी चीज़ है ना जो रेंडर ज़्यादा अच्छा हो तभी यूज़ में आती है. ठीक है, अभी मैं अपने टूल्स बनाता हूँ. सबसे पहले आर्मर बनाएंगे हम लोग. तो बन गया ये हमारा एक हेलमेट. ओह सूट अप आ गया भाई, आ गया. ये हमारा एक छाती चाडी और हमारे कुछ बूट्स. ओके, तो आई थिंक सो आर्मर इज डन. फाइनली आयरन कन्वर्टेड. और मैं ये अभी कॉपर डाल देता हूँ जिससे मैं लाइक अपने वो बना पाऊँ. अब बारी है टूल्स की. तो टूल्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा स्टिक. क्या बनाना पड़ेगा मुझे? स्टिक नहीं, लिपस्टिक नहीं, स्टिक. हाँ. तो मुझे फिर बनाना है एक पिकेक्स. फिर मेरे को बनाना है एक एक्स. फिर मेरे को बनाना है एक शोवल. मैं कैसे बोल लूँ. अब ये तो क्लिप मेरे को डालनी पड़ेगी क्योंकि टूल्स तो एक ही बार बनेंगे ना. एंड मेरे को बनानी है एक स्वॉर्ड. नहीं, स्वॉर्ड नहीं बनाने वाला मैं. और मेरे को एक्स भी नहीं बनानी थी. और मेरे को क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं बनाना था. टूट, क्या करता हूँ मैं. मेरे को नहीं चाहिए था भाई. तो मैं मौसी वगैरह ये डॉट को फेंक दूँ, क्ले को फेंक दूँ, इसको फेंक दूँ, इसको फेंक दूँ, इसको फेंक दूँ, क्योंकि ये एजिलिया लीव है तो लीव नहीं चाहिए. और तुम एमिथेस ब्लॉक को फेंक दो, जरूरत नहीं है. ये मटन को फेंक दो, मटन को नहीं फेंकना था. और ये लकड़ी का एक्स फेंको. एक्स मैंने सब कुछ फेंक दिया गाइस. अभी फ्लाइट के लिए मैं स्पाई ग्लास बना लेता हूँ. मेरा इंटरनेट 7 है आई थिंक. सो 8 से बनता है स्पाई ग्लास. स्पाई ग्लास यहाँ से बनता है स्पाई ग्लास. हाँ ओके. हैं ओ मैं तो उसको अभी छोड़ ही देता. मैं सही बता रहा हूँ, मैं उसको अभी छोड़ ही देता उतने आयरन को. मैंने स्पाई ग्लास सही में यार, स्पाई ग्लास अगर नहीं बनाता मैं अभी मैं उसको. वो क्या है? गोल्ड है. तो देख रहे हो आयरन नहीं छोड़ना है. अरे चाहे कुछ भी छूट जाए आयरन नहीं छोड़ना है. ओके ऑलराइट गाइस, तो मेरे को लगता है कि अब ये सब डन ही है. एंड मैं इन सबको भी तोड़ के अब निकल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकने का इसमें कोई अब सेंस नहीं बनता ना यार. और मैं वैसे भी सब कुछ कवर्ड हूँ और बारी है निकलने की. तो निकलने का एक सबसे अच्छा और बेसिक रास्ता है कि मैं ऊपर से डिग डाउन करूँगा. इट्स अ बेस्ट चॉइस. ठीक है, और मे बी नहीं यार, मे बी मैं ऊपर से जा सकता हूँ. मैं देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ डायरेक्ट अब. और राइट गाइस, तो मे बी मुझे रास्ता मिल गया है. एंड पार्कोर वाली स्किल्स आज काम आ रही है.
क्योंकि मैं डायरेक्ट जंप जंप करके देखो, मेरे को ब्लॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। पार्कोर खेल खेल के ना दिमाग सड़ गया मेरा, लेकिन सड़ा नहीं मतलब समझ रहे ना गाइस, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पानी का एक बूंद यूज़ नहीं किया, ये लश गेम में यही सारी मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं यार ये, कि आपको पानी का यूज़ नहीं करना पड़ता, तुरंत आप हो जाते हो। अब दिक्कत ये है कि मैं भूल गया हूँ कि मेरे को जाना किस तरफ है, क्योंकि मैं कहीं भी रैंडम प्लेस से निकला हूँ ना, मुझे गाइस वहाँ पे जाना है, लेकिन अब चढ़ूँ कैसे, द प्रॉब्लम इज दैट ओनली। वो देखो काम चोर को वहीं पे लगा दिया बेस टून, आई थिंक सो। ये और ये डूड इतना भी हार्ड नहीं था, एंड भाई साहब भाई मतलब कोई भी स्पाई कर सकता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ। एंड आई थिंक सो मास्टर्स बेडरूम ये है, और ये है लिफ्ट एरिया, देख लो रेड हाउस वाला, रेड मतलब वो वाला, और ये है मास्टर रूम। तो मेरे को यहीं पे जाना है, एंड मेरे को लग रहा है कि मास्टर रूम्स के लिए ना मैं वहाँ से एक डोर बना ही दूँ, ठीक है, लेकिन बाद में बनाएंगे हम लोग। फिलहाल के लिए जो मेरे पास सामान आ गया है, एंड मुझे आयरन में कन्वर्ट होना था आज, वो मैं हो गया हूँ। एंड हाँ कि लाइक मैं अभी बहुत अच्छी चीज़ कहने वाला हूँ। तो गाइस ये वाली वीडियो खाली इसके लिए थी कि मैंने लाइक अपना SMP चालू कर दिया है, अगर तुम लोग को आना है तो यार आ जाओ प्लीज़, ठीक है ना, मुझे बंदों की ज़रूरत भी है, ठीक है, तो मेरे लिए आ जाओ। एंड हाँ शाउट आउट के लिए नाम लिख देना, और लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना BTGY का। एंड गाइस हाँ इस सर्वर्स में चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी यार, चेस्ट लॉक का मैं आई थिंक सो लगा दूंगा, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो मुझे यहीं पर खत्म करनी चाहिए, तो ऑल राइट गाइस आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए SMP में ज्वाइन होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नहीं तो तुम यार मेरे को डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लो। शाउट आउट के लिए नाम लिखना मत भूलना, बाय गाइस, वीडियो को भी लाइक कर देना।